हे गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताता हूँ लीन गेनिंग के बारे में। तो लीन गेनिंग के बारे में आपने सुना होगा कि गेनिंग करो विदाउट गेनिंग फैट। तो देखो नेचुरल जो टेंडेंसी है हमारी, ह्यूमन टेंडेंसी नेचुरल है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेचुरली अगर आप वेट गेन कर रहे हो, जैसे मैं विंटर्स में जो है वेट पुट ऑन कर रहा हूँ, 80 kgs होता है मेरा बेसिकली, और इस वक्त मेरा जो 84 है और कोशिश है कि 86-87 तक लेकर जाऊँ। तो अब लीन गेनिंग की बात करते हैं, इसमें लीन गेनिंग का क्या रोल है। देखो लीन गेनिंग अगर आप नेचुरल, तो लीन गेनिंग नहीं हो सकती, लिटिल बिट जो बॉडी फैट परसेंट है आपकी बढ़ेगी। अब जैसे मेरी बॉडी फैट परसेंटेज जो 8-10 रहती है, तो मेरे को लगता है इस वक्त मेरी बॉडी फैट 12-15% के बीच होगी, और ऑब्वियसली कैलोरीज ज़्यादा हैं। अनलेस आप कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, कोई रॉयड्स ले रहे हो, कुछ भी ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से जो है आपकी बॉडी फैट परसेंटेज नहीं बढ़ रही और वेट गेन हो रहा है, वो एक अलग बात है। मैं नेचुरल जो ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आप वेट पुट ऑन करोगे, मसल गेन करना चाह रहे हो, पावर गेन करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली आपको कैलोरीज अप करनी पड़ेंगी। कैलोरीज अप करोगे तो लिटिल बिट बॉडी फैट गेन होगी। तो इसको आप इतना ज़्यादा दिमाग में मत लें कि भैया गेनिंग करनी है पर मुझे फैट नहीं चाहिए। तो लिटिल बिट 3-5% फैट तो आपकी बॉडी बढ़ाएगी। उससे क्या होगा, एक तो पावर बढ़ेगी आपकी, टेस्ट लेवल बूस्ट हो जाएंगे, कैलोरीज एक्स्ट्रा होंगी और वेट भी आप जो है ज़्यादा उठाओगे। तो